सर आज है ना, आज तारीख है तकरीबन 15 तारीख है, 15 सितंबर। 15 सितंबर को ना सर मैंने ये रोड के बारे में बताया था। मैंने 15 सितंबर को ये MGR रोड है, उसका लेफ्ट साइड में चीता के नीचे उतरते हुए लेफ्ट साइड में ना चौकी के बाजू वाला रोड, मैंने बताया था कि ये दीवार में ना किस तरह से ना प्लास्टर मार के ना प्लास्टर पता ऊपर से ना लेप रहे थे मुझे। मैंने बताया था उधर आपको, मैंने आपको लेके जाता हूँ साइड में मैं, कि मैं बताया था कि ये दीवार में किस तरह से ठोकल दीवार को ऊपर है ना लाली पोड़ा लगा के ना काम कर रहे हैं। बल्कि मैंने आपको बताऊंगा जिस दिन वीडियो बनाया था मैंने, वो तारीख बताऊंगा मैं आपको, वो तारीख से ना आपको ना बताऊंगा कि वो तारीख का कैसा काम हुआ है। वो तारीख के दिन मैं इधर बताया था कि इधर इतने फोकल दीवार के अंदर ऊपर प्लास्टर मार के काम किया जा रहा है। जब आगे से वीडियो वायरल हुई, वीडियो वायरल होने के बाद फिर ऐसा लगा कि नहीं ये आप लोगों की जो मेहनत हुई सर, आप लोग ने जो मेहनत किया था वीडियो वायरल करके, मेरे वीडियो वायरल करके शेयरिंग करके जो वायरल किया था मैं, वो इतना का असर कर गई कि माना इसके बारे में आपको एक वीडियो बना के बोलूंगा कि इसके अंदर ना ये वीडियो जब है ना हमारे ये है सर, पहले ना यहाँ पर से बिना लाली पोड़ा लगा के कर दिया गया था, यहाँ पर बताया था ये बताया था मैंने लाली पोड़ा लगा के इसके अंदर अभी भी फोकल है इसके अंदर। हाँ सर, ये फोकल है ऊपर मारो ऊपर ना लाली पोड़ा लगा के कर दिया गया, देखिए सर ये। और अब आगे ना वहां से काम कहां से चालू हो रहा सर, ये देखिए सर, अब मैं आपको आगे बताता हूं मैं। ये है सर, ये जो है ना ये जो काम अभी तो प्लास्टर है ना छाड़ा जा रहा था सर, ये प्लास्टर छाड़ने का जो काम चालू किया, प्लास्टर छाड़ने का जो काम चालू हुआ सर अभी, तो ये एक है ये प्लास्टर छाड़ा जा रहा है, ये प्लास्टर छाड़ा जा रहा है। पहले क्या नहीं ऊपर है ना, ऊपर से ऐसी थोड़ा सा मार के ना छोड़ रहे थे, अभी इसको प्लास्टर छाड़ जा रहा है। हाँ, पूरा तोड़ेंगे ना अभी, वो पूरा तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन पहले तो लोग ने क्या बोले, अभी पूरा तोड़ेगा, पूरा छाड़ेंगे, लेकिन पहले तो नहीं कर रहे थे, पहले तो हम नहीं थे ना, पहले नहीं थे आप? हाँ अभी पहले नहीं थे, ये बंदे का मानना है कि अभी पूरा छाड़ गए, प्लास्टर छाट गए, इसको करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काम हो रहा है। मैं आपको पहले बताया था कि जब आप काम करते हो, जब आप कोशिश करते हो, जब आपकी मेहनत कोशिश करते हो, तो जब ना ऐसा काम होता है कि काम पे ढंग से होने लगता है, फिर काम अच्छा होने लगता है। ये देखिए ये ए भाई साहब, ओ भाई साहब क्या नाम है अपना, कलीम शेख है, ये काम कर रहा सर, ये देखिए कैसा अच्छा काम कर रहा है। मैं चाह रहा था ये काम अच्छा काम होना चाहिए था, अभी ऐसा हो रहा है। और दूसरे जन को ले गया था मैं, ये देखिए ये कर रहा है काम यहाँ पर। अरे बेटा नाम क्या बेटा तेरा, क्या नाम है तेरा, जसीम? हाँ, बम्बई का रहने वाला है क्या बाहर का रहने वाला है? कहाँ का बाहर का है? बंगाल का। अरे बंगाल का है जसीम शेख अपना, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है सर। ये जब आप बोलते हो, जो आपकी कोशिश करते हो, तो ये काम बहुत अच्छे से होता है सर। ये देखिए ये दीवार को ना पूरा ना छाड़ा जाएगा, दीवार को पूरा बना जाएगा। और जब आप कोशिश करो तो मैं चाहूंगा कि ये जो ये ढापा है ये भी सही ढंग से बनाया जाए। सर जब आप कोशिश करते हैं, आप बोलते हैं कि दीवार जो टूटी थी, मैंने ना एक दस दिन पहले जब मैं तारीख बताऊंगा, वो तारीख को मैंने ना बताया था कि ये दीवार फोकली है, फोकल दीवार है, बहुत पुरानी दीवार है, इसको ना ऊपर से ताली पड़ो मत लगाओ, इसको ऊपर ढंग से ना इसको पलासा करके काम करो। यहाँ वाले मुझे बुलाए, मुझे बुलाए थे, जाफर नाम का आदमी है और पापा पेंटर है और यासीन है, तीनों ने मुझे बुलाया और बुला के बोले कि अहमद भाई ये काम फोकल हो रहा है, आप आगे ध्यान दो उसके अंदर। मैं जब आया, जब वीडियो बनाया, तो मैं अपने इलाके के MLA हरदीस अजीज नौ मलिक साहब का मैं थैंक यू बोलूंगा। उनके सामने जब ये वीडियो गई, उन्होंने मेरा वीडियो देखा, तो वहां से ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि ये काम को बराबर ढंग से किया जाए, ये मेरा इलाका है, इधर काम सही होना बोल के। मैं उनका नवाब मलिक साहब का मैं एक सौ बार थैंक यू बोलूंगा कि चीता गेम के बारे में इतना सोचा और चीता गेम के बारे में आप काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। भाई आपका नाम क्या भाई? शकील मलिक। ये मलिक कौन सा, आप भी नौ मलिक के सगे वाले ही क्या? हाँ, आलम का बेटा हूँ। हाँ, आलम का बेटा हूँ। अच्छा, आलम के बेटे। हाँ। तो मतलब ये घुमा फिरा के हमारे पास हमको नौ मलिक के सगे वाले को मिलेंगे हमको काम करने में। हाँ। तो नौ भाई का हमको मैं थैंक यू बोलूंगा और ये छोकरे का भी थैंक यू बोलूंगा, ये यहाँ पर खड़ के काम करा रहा आलम मलिक का बेटा, बहुत अच्छा ढंग से काम करा रहा, मैं इसको थैंक यू बोलूंगा इसको मैं। और मैं और आगे का इसको अपडेट देता हूँ सर, मैं आगे का अपडेट देता हूँ। और दूसरी बात मेरी ये है ना सर, मैं एक दूसरा रिक्वेस्ट कर रहा था, यहाँ पर जो गाड़ी पड़ी है
यहाँ पर जो भंगार गाड़ी पड़ी है ये क्यों पड़ी हुई है? क्या रोड हमारे लिए इसलिए बना जाता है कि भंगार डाल के डाला जाए? रोड इसलिए बनता है कि गली के अंदर इलाके का रोड बनता है कि उसमें ना लोग ट्रैवलिंग करे, लोग आए जाए, रास्ते के गाड़ी के लिए होता है। ये गाड़ी खड़ा करके पार्किंग सदियों से यहाँ पर पड़ी है सर, सदियों से गाड़ी पड़ी हुई है। ये देखो सर, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह गाड़ी यहाँ पड़ी सर। क्या बीएमसी इस बात को, इस विषय को ध्यान में लेने के मूड में है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको ना इसका अपडेट दिखाता रहूंगा।